ग्वालियर चंबल संभाग में आई भारी वर्षा के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ शनिवार की सुबह दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। दतिया पहुंचने से पहले कमलनाथ ने हवाई सर्वे कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति देखी। दतिया पहुंचे कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग एवं दतिया में सिंध नदी के उफान पर आने पर निचले इलाकों में बाढ़ के कारण भारी मात्रा में तबाही है, जिसके चलते यहां पर भारी बहाव के कारण बड़े बड़े पुल बह गए। इसके लिए भ्रष्टाचारी अधोसंरचना पर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला। वहीं उन्होंने प्रदेश में मनाए जा रहे सरकार द्वारा अन्न उत्सव के आयोजन को लेकर सवाल उठाए और कहा कि एक तरफ प्रदेश में बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ शिवराज सिंह उत्सव मनाने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से एयर लिफ्टिंग होने वाले कार्य को भी चुनाव जीतने की नौटंकी करार देते हुए निशाना साधा। कमलनाथ शनिवार की सुबह 10:30 बजे के लगभग दतिया हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां लहार विधायक गोविंद सिंह, स्यौड़ा विधायक घनश्याम सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक डांगी एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा अगवानी कर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समुचित जानकारी साझा कर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। छोटी सड़कें, गांव की सड़कें, हाईवे, ये हालात है और केवल घोषणा करने से ये नहीं होगा। इस पर तो बैठ के सीरियसली एक, मैं तो कहता हूँ, एक ऐसा सीमित समय में ये घोषणा करें, सीमित समय में, ताकि पूरी जनता जाने कि इस प्रकार की राहत इस सीमित समय में पहुंचेगी। सर, दतिया में सबसे ज्यादा पुल प्रभावित हुए हैं, छोटे पुल, बड़े पुल, ये तो सब देख रहे हैं, ये तो आज जनता गवाह है। ये घटिया निर्माण है सर, 6 साल में टूट गया। ये घटिया निर्माण की बात तो जरूर आएगी, पर अब तो हम बात करें इसकी मरम्मत कैसे होगी, पुल कैसे बनेगा, आवागमन की सुविधा कैसे मिलेगी। ठीक है, अभी मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, पूरे शिवपुर का रास्ता सब रोड ब्लॉक है। जो हेलीकॉप्टर का फ्यूल था वो नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि सड़कें सब टूटी है, सड़कें सब खत्म है। चलिए, कब्रिस्तान में गई, शमशान घाट में गई, 80% कोविड के कारण उनकी मृत्यु, लाखों में इनकी संख्या। भाजपा संभाल नहीं पाती, दूसरे की, हमारे घर की चिंता ना करें। यहाँ दतिया में खास जो कांग्रेस के, जो बीजेपी के नेता हैं, ये कैसे चुनाव जीतते हैं और आगे चुनाव जीतने का कैसा प्रबंध कर रहे हैं, अनुशासन दबाने का, अनुशासन को लेकर भी सर आप पर कांग्रेस पर काफी उंगलियां उठती हैं। फर्जी केस लगा लो, ये दतिया का तो खास राजधानी बन गई है इसकी। सर, कांग्रेस में जनता गवाह है, ना कमलनाथ की बात सुने, ना मुख्यमंत्री जी की बात सुने। मैं तो कह रहा हूँ जनता से पूछिए, और मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूँ कि आप जनता से पूछ लीजिए, जो प्रभावित है पूछ लीजिए। सर, एक क्वेश्चन, ये नरोत्तम जी लिफ्टिंग हो रहे हैं, देखिए ये ड्रामा की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, अब नरोत्तम जी इसमें तो माहिर है और ये सोचते हैं इस कलाकारी और ये ड्रामा की राजनीति से वो अगला चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, अभी तो बाल बाल जीते। सर, एक क्वेश्चन, देखिए हर परिवार में कोई किसी से ज़्यादा नज़दीक होता है, कोई किसी से कम नज़दीक होता है, ये तो परिवार में होती है बात, बाप बेटी से ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें कोई विवादित स्थिति नहीं, इसमें कोई विवाद की बात नहीं, सबकी अपनी राय होती है और अच्छा है सब अपनी राय रखे सामने, सर खराबी नहीं है। सर, अन्न महोत्सव मना रहे हैं आज, मैंने आदिवासी दिवस की छुट्टी डिक्लेयर करी थी, पैसा दिया था कि वहाँ फंक्शन करिए, कोई ना कोई कार्यक्रम करिए हर जिले में। आज हमारा प्रदेश आदिवासी और ये कर रहे हैं अन्य मार्च, 2 दिन पहले सब कौन सा अन्य, ये हालत है, ये उत्सव मना रहे हैं, ये क्या उत्सव मनाने का समय है।